वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चाइना डिफेंस अपडेट 0.2। दोस्तों, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो इस साल के अगस्त में आदित्य L1 को लॉन्च किया जा रहा है, जो सूर्य को निकट से पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। इसरो के चीफ ने पुष्टि की है कि मिशन के लिए लॉन्च विंडो अगस्त में खुलेगी और उपग्रह को पृथ्वी के बाहर भेजने की तैयारी चल रही। इंडियन कॉन्क्लेव साउथ 2023 में बोलते हुए इसरो चीफ ने आगमनी अंतरिक्ष खोज के बारे में डिटेल साझा किए हैं, जिसके तहत आदित्य L1 को सूर्य के निकट भेजा जाएगा। दोस्तों, राफेल या FA-18 INS विक्रांत के लिए सर्वश्रेष्ठ विमान का मूल्यांकन, क्योंकि भारतीय नौसेना सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। जैसा कि भारतीय नौसेना अपने प्रमुख विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लिए विमान के चयन पर सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही है। राफेल और FA-18 सुपर हॉर्नेट के बीच चुनाव गहन चर्चा का विषय बन गया है। आइए हम प्रत्येक विमान द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और लाभों के साथ साथ अंतिम निर्णय को आकार देने वाले विचारों पर ध्यान दें। फ्रांस निर्मित मल्टी रोल फाइटर जेट राफेल ने अपने असाधारण प्रदर्शन और उन्नत तकनीकों के लिए दुनिया भर में पहचान हासिल की है। अत्याधुनिक एवियोनिक्स राडार सिस्टम और हथियार से लैस राफेल ने विभिन्न युद्ध परिस्थितियों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इसकी लंबी दूरी की मारक क्षमताओं के साथ साथ हवा से सतह दोनों लक्ष्यों को भेदने की इसकी क्षमता